हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो ये मेरा सेकंड ब्लॉग है और इससे पहले भी एक ब्लॉग मैं यूट्यूब पे अपलोड कर चुका हूँ, पर इतना अच्छा रिस्पांस मुझे उस पर नहीं मिला। पर कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ कि एक या दो वीडियो से आप लोगों का दिल मैं नहीं जीत सकता, तो इसलिए मैं और बेहतर करूँगा और मुझे विश्वास है कि मैं एक ना एक दिन आप लोगों का दिल ज़रूर जीत पाऊँगा। और आज हम आए थे तारा देवी मंदिर, ये नालागढ़ में पड़ता है और एक ऊंची सी पहाड़ी पे ये मंदिर है, काफ़ी प्राचीन मंदिर है और आपको मंदिर दिखाएंगे और यहाँ से नीचे नालागढ़ शहर का काफ़ी अच्छा व्यू दिखता है और आपको व्यू भी दिखाएंगे। और वीडियो में बने रहिए, आगे वीडियो में मैं कुछ अपने चैनल के बारे में भी बताऊंगा। तो आइए पहले आपको मंदिर दिखाते हैं और उसके बाद वो चैनल के बारे में बताएंगे। हेलो दोस्तों, तो आपने कुछ शॉट्स देखे होंगे मंदिर के, क्योंकि अंदर फोटोग्राफी अलाउ नहीं थी, तो फिर भी हमने छोटे छोटे कुछ शॉट्स लिए और आपको दिखाए। और ये था तारा देवी मंदिर और इस मंदिर का निर्माण यहाँ के राजा ताराचंद जी ने करवाया था और काफ़ी पुराना मंदिर है। हमने पंडित जी से पूछा, उन्होंने बताया कि ये मंदिर 600 साल पुराना है और काफ़ी खूबसूरत मंदिर है और काफ़ी ऊँची जगह पर है। पीछे आप देख सकते हैं कि सारे पेड़, कितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे। और ये मेरे पीछे वाली साइड, ये कुछ नीचे शहर का नज़ारा, यहाँ से आपको शायद दिख नहीं रहा होगा आपको। तो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपसे बोला था कि मैं अपने चैनल के बारे में बताऊंगा, तो मेरे इस चैनल पे आपको लाइफस्टाइल ब्लॉग और कुछ ट्रैवल्स के ब्लॉग देखने को मिलेंगे और आने वाले टाइम में शायद मोटो ब्लॉग भी देखने को मिले इसी चैनल पे, क्योंकि जो YouTube पे पहला मोटो ब्लॉग मैंने देखा था तो वो एक मोटो ब्लॉग था और तभी से मुझे भी मोटो ब्लॉग का काफ़ी शौक था। लेकिन उसके लिए मुझे पहले बहुत सारा चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और जब वो मेरी चीज़ें पूरी हो जाएंगी तो उसके बाद मैं मोटो ब्लॉगिंग भी स्टार्ट कर दूंगा। और आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और आने वाले समय में आपको इस चैनल पर बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग देखने को मिलेंगे। तो अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट कीजिए, क्योंकि नए ब्लॉगर को आप लोग ही बता सकते हो कि वो कहाँ पे गलती कर रहा है। तो प्लीज़ यहाँ पे मैं गलती कर रहा हूँ वहाँ पे बता दीजिए। और अगला ब्लॉग भी आपको जल्दी देखने को मिलेगा, जगह हमने डिसाइड कर ली है, वो एक अच्छी सी झील है और काफ़ी खूबसूरत झील है। तो अगला ब्लॉग आपको उस झील का दिखाएंगे। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, क्योंकि हमें आपकी सपोर्ट की काफ़ी ज़रूरत है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।